हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 24th ऑफ मई से लेके 30th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर एरीज। Ten of Pentacles, Eight of Cups, Temperance, Five of Wands, and Six of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Temperance Aries. Temperance बदलाव के बारे में है, Temperance उस change के बारे में है जो धीरे धीरे आ रहा है, इतने धीरे कि शायद आप उसे नोटिस भी नहीं कर पा रहे। एंड लगता है कि आप फेड अप हो चुके हैं किसी चीज से ऑलरेडी। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वो सिचुएशन हो सकती है जहां पे आपने ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट कर लिया था, आप ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुके थे कि आपको शादी करनी है या किस तरीके से आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप में, या जो भी ड्रीम्स फिलहाल आपने देखे हों जिस भी स्टेज पे आप हो अपने रिलेशनशिप के। एंड अचानक से आपको लगता है कि ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि एट ऑफ कप्स तक आपको पहुंचा हुआ मैं देख रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं जहां आपको होना चाहिए। एंड अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, अब आप और कैरी ऑन नहीं कर सकते। यहाँ पे दो कप्स मिसिंग है जो आप इजीली पा सकते हैं एरीज, बट ऑफ कोर्स ये सिचुएशन डिफिकल्ट है। एंड इस वक्त अपने पेशेंस को रखना वो सबसे बड़ा टास्क हो सकता है। ऑल्सो हमारे पास है फाइव ऑफ वांड्स, तो फाइव ऑफ वांड्स के साथ एरीज इस वक्त आपके दिमाग में जितनी बातें हैं उनसे लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ओके, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, एंड आप उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऑफ कोर्स कई तरीके के थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स आप कैसे एड्रेस करें आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस वक्त। लाइक पता नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है, डेप्थ में क्या है, आगे क्या होने वाला है। सो ये जो अननोन सिचुएशन है, जो अंधेरा है, जो अनसर्टेनिटी है, मतलब जो चीजें आप जान नहीं सकते वो शायद आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है इस बारे में, एंड शायद आपको ट्रुथ पता है बट उस ट्रुथ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ वाकई बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, स्पेशली इस पर्सन और उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच। हो सकता है आपके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हों, हो सकता है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। एंड लगता है जैसे कि ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि सही वक्त पे सही चीज़ें आपके सामने आए। हालांकि ये फेज आसान नहीं होगा आपके लिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं बिकॉज अगर आप एट ऑफ कप्स के कार्ड के होने के बावजूद भी सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दे या अपने डायरेक्शन को बदल दे, यहां से लौट जाए, बिकॉज एट ऑफ कप्स तो आपने पा लिए बट टू ऑफ कप्स अब और नहीं मिल पाएगा, ये कमिटमेंट शादी तक नहीं पहुंचेगा या ये कमिटमेंट आपके बस के बाहर की बात है, तो डेफिनेटली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि सब कुछ अब हाथ से निकलता जा रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है एरीज कि उन्होंने आपको ऑलरेडी एज तक लाकर खड़ा कर दिया है, एंड अब इससे आगे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखना या आपको पुश करना काम नहीं करेगा। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, बट द फैक्ट इज कि शायद इस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है एरीज,
क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम काफी ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे आपका और इनका। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी बदल सकती हैं, एंड थोड़ा आपको और इंतजार करना चाहिए यहाँ पे। ओके, दैट इज व्हाट टैरो आपसे कह रहा है। और हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होने का मतलब है कि कोई शायद आपको सीरियसली अभी तक कंसिडर नहीं कर रहा था, लगता था इस पर्सन को कि वो आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को, आपके आइडियाज को इग्नोर कर सकते हैं, आप सीरियस नहीं है कमिटमेंट को लेके या फ्यूचर को लेके। इस पर्सन को लग रहा था जैसे कि आप इस जर्नी पे चलते जाएंगे बिना थके बिना हारे, जैसे कि आपकी कोई लिमिट ही ना हो, कोई पेशेंस ही ना हो, एंड आप जब तक वो कहेंगे तब तक वेट करते जाएंगे। बट अब इस पर्सन को नजर आ रहा है कि आप है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्मार्ट है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है एरीज कि अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चले, या फिर वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहे आपको, आप उन एक्सक्यूज को माने और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को पता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। ओके, आई मीन इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के कारण ही ये पर्सन आज इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया जब उन्हें अब सीरियसली चीजों को कंसिडर करना पड़ रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप एरीज। ओके, आप समझदार हैं, एंड अब ये जो एक्सक्यूजेस वो आज तक जो आपको देते आए वो वर्क नहीं करेंगे। आपको कोई रियल एक्शन चाहिए, आप चाहेंगे कि जो वो कह रहे हैं उसे वो करके दिखाएं। तो एरीज इस पर्सन को दिख रहा है कि अब आप दूसरे तरीके से ऑलरेडी सोच रहे हैं, आप हमेशा उनका इंतजार नहीं करते रह सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप ये डिजर्व भी नहीं करते इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके के एक्सक्यूजेस, इतना कुछ ऑफर करने के बाद इस रिलेशनशिप में। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एरीज, ये पर्सन आपको क्लोजली वॉच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इस पर्सन के लिए आपके बारे में सब कुछ जानना इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही वो अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करने वाले हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, इस पर्सन को आपकी जरूरत है। ओके, इन्हें पता है कि इस वक्त जितनी जरूरत आपको उनकी होगी उससे कहीं ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एरीज की शायद आपको उनकी जरूरत है ही नहीं। ये बात इस पर्सन को काफी डराती भी है। ऑल्सो द स्टार का कार्ड है तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि उनसे जो मिस्टेक हुई है उसे उन्हें ठीक करना ही होगा। स्टार हो सकता है चीटिंग के बारे में या किसी तरीके के धोखे के बारे में, अपना कमिटमेंट पूरा ना करना या बार बार एक्सक्यूजेस देना। तो वो सारी चीज़ अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, उन्हें समझ में आ गया है कि आप हर बार किसी तरीके के एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हर बार एक्सक्यूज होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सो वैसे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर सकते हैं, वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एक खुल मैसेज क्या है आपके लिए एरीज। बिल्डर, योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। एक बार आपके पास विजन हो तो, एक बार आपके पास आइडिया हो तो। सो इस वक्त तैरो आपसे यही कह रहा है एरीज कि
आप कंप्लीट हैं, आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं इस पॉइंट पे। हालांकि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, बाकी ये पर्सन खुद पे वर्क करेगा, बिकॉज अब ये उनका ही काम है। ओके, आप अपने हिस्से का वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।